This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माटी वाली, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। टिर्री में भागीरथ नदी पर बहुत बड़ा बांध यानी कि डैम बना है, जिसमें पूरा टिर्री शहर और उसके आसपास के गांव डूब गए हैं। पहले जो लोग अपने घरों में वहां पर रहा करते थे और जो व्यापार वगैरह करते थे, बिजनेस करते थे, उन सब के सामने अचानक से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। और ये जो पूरी कहानी है ये इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। बूढ़ी माटी वाली, पूरे टिर्री शहर में घर घर लाल मिट्टी बांट रही होती है। तो ये जो माटी वाली है ये क्या करती थी, मिट्टी बांटती थी। अब ये मिट्टी किस काम आती थी अभी देखते हैं। उसी से इसका जीवन चलता था। घर में लिपाई पुताई में लाल मिट्टी काम आती है। एक पुराने कपड़े की गीली गद्दी सर पर रखकर उस पर मिट्टी का कनस्तर रखे हुए वो घर घर जाकर मिट्टी बेचती है। उसे सारे शहर के लोग माटी वाली के नाम से जानते हैं। एक दिन माटी वाली मिट्टी बेचकर एक घर में पहुंची। वहां की जो मालकिन थी उसने उसे दो रोटियां दी। माटी वाली ने उसमें से एक रोटी तो अपने सर पर रखे गंदे कपड़े में बांध ली। तब तक मालकिन चाय लेकर आ गई। पीतल के पुराने ग्लास में माटी वाली ने फूक फूक कर चाय पी और माटी वाली ने मालकिन से पूछा, अरे अगर पूरे बाजार में घूम लिया जाए तब भी किसी के पास ऐसा पुरानी चीज नहीं मिलेगी, आखिर ये पुराना ग्लास तुम्हारे पास कैसे है? तो मालकिन ने उसे कहा कि ये पुरखों की चीज है, ना जाने कितने कष्टों से उन्होंने इसे खरीदा होगा। मतलब जो पुरखे थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने कितनी मुश्किल से इस चीज़ को खरीदा होगा। तो मालकिन ने इसलिए उसे संभाल के रखा था। अब लोग इन चीज़ों की कदर नहीं करते। अपनी चीज का मुंह बहुत बुरा है और टिर्री का मुंह भी, जो टिहरी शहर था उसका भी मुंह ऐसा ही है। तो यहाँ पर मालकिन ये बोलती है कि जो अपनी चीज़ होती है उससे हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है हमारा अपनी चीज़ से कि हम उसको बहुत ही अच्छे से रखते हैं। और यहाँ पर वो यही बोलती है कि जो उनका शहर है उससे भी उनका बहुत ज़्यादा अच्छा अटैचमेंट है। माटी वाली ने कहा कि जिनके पास जमीन या कोई संपत्ति है उनको तो कहीं ना कहीं ठिकाना मिल ही जाएगा, लेकिन माटी वाली जैसे बेघर जो मजदूर हैं जिनका कोई भी सहारा नहीं है उनका क्या होगा? माटी वाली उस दिन दो तीन घरों में मिट्टी बेचकर तीन रोटी बांधकर अपने बूढ़े पति के लिए लाई थी। वे रोज इसी आस में बैठा रहता था जो उसका पति था कि उसको रोटी मिलेगी या फिर कोई चीज़ मिलेगी। आज वो उसके लिए प्याज भी खरीद के लेकर आई थी कि उसको प्याज कूट कर देगी रोटी के साथ। घर पहुंची तो उसे पता चला कि जो उसका बूढ़ा पति था वो मर चुका है। टिर्री बांध से उखड़े लोगों को बसाने वाले जो साहब थे, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर था, जितने भी लोग आसपास इफेक्टेड थे, ये जो डैम था और इसका आसपास पानी भर रहा था गांव के अंदर, तो उन सब लोगों को घर देने में जो हेल्प कर रहे थे ऑफिसर, उन्होंने पूछा इसी से माटी वाली से, अरे आपके पास प्रमाण पत्र है तो मैं आपके रहने का इंतजाम करा सकता हूँ। बिचारी माटी वाली रही अनपढ़ गवार, तो उसके पास कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र नहीं था कि वो बता सके कि वो यहाँ पर रहती थी। वो माटी बेचती रही। माटा खान का भी उसके नाम कोई कागज नहीं था, मतलब उसके पास कोई कागज वगैरह भी नहीं था। ऐसे में उसे सरकारी मदद नहीं मिली। टिर्री बांध भरने लगा, धीरे धीरे करके डैम भरने लगा। लोगों में अफरा तफरी मच गई। घर छोड़कर लोग भागने लगे। निचले भाग में जो शमशान बना हुआ था, शमशान तो आप जानते हैं जहां पर लोगों का अंतिम संस्कार होता है, लास्ट राइट्स होते हैं, मर जाता है जब कोई तो उसकी सारी पूजा वगैरह वहीं पर करी जाती है शमशान के अंदर। और यहां पर शमशान जो था वो धीरे धीरे करके डूब रहा था डैम के अंदर। मानसिक रूप से जो ये थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी माटी वाली। अपनी झोपड़ी के बाहर लोगों से कह रही थी, गरीब आदमी की जो शमशान है
उसे नहीं उजाड़ना चाहिए था। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। हमें पता चला कैसे ये जो बड़े बड़े डैम्स कंस्ट्रक्टेड होते हैं, इनकी वजह से जो छोटे मोटे लोग होते हैं, डेली वेज वर्कर्स होते हैं, गरीब लोग होते हैं जिनके पास कोई भी प्रमाण नहीं होता उनके घर का रहने का, उनकी कितनी बुरी हालत होती है। वो बिजनेस भी अपना खो देते हैं और खाने पीने का जो भी छोटा मोटा साधन होता है वो भी उनके हाथ से निकल जाता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बनके हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।